नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एनसीईआरटी के ई विद्या चैनल नंबर 10 में और आपके साथ मैं याशु गांधी। आज की हमारी चर्चा का विषय है अंकों का वो खेल जो उलझ जाए तो सिरदर्द हो जाए और सुलझ जाए तो दिलचस्प हो जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गणित यानी मैथ्स की। मैथ्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये है हमारा आज का विषय। और हमारे साथ इसको विस्तार से बात करने के लिए, समझने और समझाने के लिए विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ी हैं। आइए सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ हैं सविता ग्राग जी, जो कि एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं गीता निकेतन आवासीय विद्यालय कुरुक्षेत्र से हमारे साथ हैं। सविता मैम, आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, और हमारे दर्शकों को भी ढेर सारा प्यार। और आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे। बिल्कुल, हम आज का विषय तो ज़रूर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास बात जो हम सब के यानी हमारे और आपके भारतीय होने पर गर्व करती है, और वो बात है G20 से जुड़ी हुई। बहुत गर्व की बात है कि भारत ने 2023 में G20 की अध्यक्षता यानी प्रेसिडेंसी संभाली है, और पहली बार इस देश में G20 नेताओं का सम्मेलन आयोजित हो रहा है। लोकतंत्र और बहुपक्षवाद में गहरी प्रतिबद्धता रखने वाले भारत के लिए G20 की अध्यक्षता एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल होगा, जो सभी के लिए व्यवहारिक वैश्विक समाधान ढूंढने में जितनी भी समस्याएं हैं उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा और निभाने का प्रयास भी करेगा। और ये सब कुछ होगा वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि विश्व एक परिवार है, वर्ड इज वन फैमिली की ट्रू स्प्रिट के साथ। तो चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, और आपको यानी हमारे जितने भी मित्र हैं, जितने भी दर्शक हैं, जितने भी विद्यार्थी कार्यक्रम देख रहे हैं और हमारे विशेषज्ञ को ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराते हैं, बढ़ते हैं आगे। और सविता मैम, मैथ्स को लेकर बहुत बार विद्यार्थियों के मन में एक बहुत सी शंका होती है। मैथ्स को एक हवे की तरह वो किया जाता है कि एक बहुत डर है, लेकिन अगर समझाने वाला अच्छा हो तो ये बहुत दिलचस्प भी हो जाता है। जी बिल्कुल यशु जी, जैसा आपने बोला तो हमारा हमेशा एक ये प्रयास रहता है कि हमारे विद्यार्थियों तक हमारा जो टॉपिक है वो इस तरह से जाए कि वो खेल खेल में ही कुछ सीख जाएं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, और उसके बाद जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, नॉलेज गेन कर चुके हैं, सो दे विल बी एबल टू अप्लाई द सेम नॉलेज टू सॉल्व वेरियस क्वेश्चंस। आज का भी हमारा जो टॉपिक है, दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फिर से, जैसे कि आपने बोला कि नंबर्स का खेल है, संख्याओं का खेल है, तो इसी तरह का एक टॉपिक ये हमारे पास है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि कोई ना कोई ऐसी एक सीक्वेंस है, एक ऐसी सीरीज है जिसको हम थोड़ा सा ध्यान से व्यू करेंगे तो वहां पर कोई आपस में एक ऐसा हमारे पास बन रहा होगा सीक्वेंस के हम नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट टर्म खुद से कैलकुलेट कर पाएंगे और निकाल पाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेम। बिल्कुल मैम, हम शुरू करते हैं, और इसके साथ ही मैं अपने सारे जो विद्यार्थी हैं उनसे भी ये बात कहूंगी कि मैथ्स है तो पेपर पेन साथ में लेकर बैठे तो समझना ज़्यादा आसान होगा। और इसी के साथ एक और ख़ास बात, लगातार हमारी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उसके माध्यम से हमें फीडबैक दे सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं हमारे इस लाइव सेशन के दौरान। साथ ही वेबसाइट का भी हमारा लगातार पता दिया जा रहा है, आप उसके माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत, प्रोग्रेस करते हैं कार्यक्रम में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझते हैं। जी मैम बताएं। जी बिल्कुल, तो टॉपिक है सबसे पहले सीक्वेंस। हम किस चीज को एक सीक्वेंस बोलते हैं, जैसे कि यहां पर भी मेंशन है दैट एनी सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डिफाइंड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। कोई ना कोई रूल अप्लाई हो रहा हो और उस रूल के अंडर हमने अपने नंबर्स जो हैं उनको अरेंज कर दिया हो, दैट इज नॉन एज अ सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक सीक्वेंस लिखी है 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारे व्यूअर्स बहुत इजीली बता सकते हैं दैट आर नेक्स्ट नंबर विल बी 6, आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन विल बी 7, 8,
सो दिस इज अ सीक्वेंस जहां पर कोई एक रूल फॉलो हो रहा है, और वो रूल क्या है, वी आर जस्ट एडिंग वन टू द प्रीवियस नंबर टू गेट द न्यू नंबर. ऑल राइट, सो दिस इज एन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्योंकि हमने लास्ट में कोई भी डिजिट नहीं लिखा, ये अनस्टॉपेबल चलता जा रहा है. दैट्स व्हाई दिस इज नॉन एज अ सीक्वेंस ऑफ आर नंबर्स, एंड दीज ऑल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स. सीक्वेंस के बाद हम पढ़ेंगे सीरीज, और सीरीज जो टॉपिक है, व्हाट इज देयर इन दिस. सीरीज की जब हम बात करते हैं तो सीरीज इज द सम ऑफ द एलिमेंट्स इन द कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस. यानी कि सीक्वेंस और सीरीज में हमारे व्यूअर्स कई बार डिफरेंट समझ पाते, तो सिंपल सी अभी टर्म्स भी हैं, जैसे कि क्रिकेट मैच. आप लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं ग्राउंड में, आप देखो आप ही एक मैच खेला, दो मैच खेला, आप सडनली मैचेस खेल रहे हैं और आपके पास नंबर ऑफ मैचेस वो 3 खेले हैं या 4 खोले खेले हैं, पहले से कोई भी आपने प्री प्लानिंग नहीं की. सो दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ मैचेस. लेकिन अगर सीरीज की बात करते हैं, हम सुनते हैं 5 मैचेस सीरीज, इट इज अ 3 मैच सीरीज, है ना, होता है ना, इंडिया एंड वेस्ट इंडीज, इंडिया एंड जो भी हमारी कंट्री है इंग्लैंड का, जो इनका भी मैच चलता है, तो वो एक सीरीज के अंडर जब ये मैचेस चलते हैं, वेदर दीज आर टेस्ट मैचेस और 2020 और वन डे मैच, तो वो एक सीरीज हो गई. व्हेन वन थिंग इज कनेक्टेड विद द अदर थिंग, जब आपका पहला मैच नेक्स्ट मैच के साथ कनेक्टेड है, तो वो एक सीरीज है. जैसे कि अगर फर्स्ट मैच में आपका कोई भी दो कंट्रीज के बीच में, हमारे इंडिया का मैच है पाकिस्तान के साथ, और पहला मैच इंडिया जीत गई, तो 3 मैचेस की ये सीरीज थी. पहला मैच इंडिया जीत गई, बाकी 2 मैचेस में से हम ऑलरेडी बता देते हैं कि कौन कोई भी एक मैच जीतेंगे तब भी हम सीरीज जीत जाएंगे. तो यानी जब किन्हीं 2 या 3 टर्म्स के बीच में या 4 टर्म्स के बीच में कोई रिलेशन होता है, देन दैट इज नॉन एज सीरीज. और मैथमेटिकल टर्म में ये रिलेशन क्या होता है, दिस इज कि हम अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को प्लस के साइन के अंडर एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं. यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, सो दिस इज अ सीरीज एंड दिस इज अ सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. एंड यहाँ पर साथ ही साथ हमने एक बात बताई है, व्हाट दिस थिंग इज, दैट एवरी नंबर इज इन अ सीक्वेंस और सीरीज इज कॉल्ड अ टर्म. किसी भी सीरीज में, जैसे हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखा है ना 1, सो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, एंड सो ऑन, मेनी मोर टर्म्स आर देयर इन दिस. नाउ लेट अस डिस्कस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. हमने सीक्वेंस को डिस्कस किया, हमने सीरीज को डिस्कस किया, और अभी हम आगे प्रोसीड करते हुए डिस्कस करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम किसे कहते हैं, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक भी मेनली यही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रिसीडिंग नंबर. हम जब प्रिसीडिंग नंबर में, पहले वाले नंबर में कोई भी एक चीज ऐड करेंगे, जैसे कि हम यहां पर देख सकते हैं कि किसी भी लिस्ट में, लिस्ट ऑफ नंबर्स में ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म. फॉर एग्जांपल हियर इट इज द फर्स्ट टर्म इज गिवन अस इज 2, देन 6, देन 10, देन 14. तो हम देख सकते हैं कि हर बार 4 4 4 ऐड किया जा रहा है. द वेरी फर्स्ट टर्म इज 2, आफ्टर दैट द नेक्स्ट टर्म इज 6, आफ्टर दैट द नेक्स्ट टर्म इज 10, देन इट इज 14, देन इट इज 7, क्या रहेगी नेक्स्ट टर्म, दैट विल बी 18. क्योंकि एवरी टाइम वी आर एडिंग अ 4, सो नेक्स्ट टर्म विल बी 18, नेक्स्ट टर्म टू दिस दैट विल बी अनडाउटेडली प्लस 4, 22. तो एपी जो टॉपिक है ये बहुत बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, हमें एक बार ध्यान से देखना समझना है, एंड दैट टॉपिक कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर टू अस. इसी तरह से अगर हम लिखते हैं कि दूसरी एक यहाँ पर सीक्वेंस लिखी है, द सेकेंड सीक्वेंस हियर इट इज 7 7 7 7 7. यानी कि ईच एंड एवरी टर्म ऑफ दिस एपी इज सेम 7 7 7. तो इट इज क्लियर कि एवरी टाइम वी आर एडिंग अ जीरो और वी आर एडिंग नन, दैट मींस द नेक्स्ट टू टर्म टू द गिवन विल अगेन बी 7, देन द नेक्स्ट विल आल्सो बी 7. ऑलराइट, इसी तरह से एक और सीक्वेंस यहाँ पर है, और अगर हम इस सीक्वेंस को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, इट इज 30 24 18 12 एंड देन
दिस इज अ सीक्वेंस विच इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. एवरी टाइम जो नंबर प्लस किया जा रहा है, एड किया जा रहा है, दैट इज एक्चुअली -6. तो जब आप -6, -6, -6 करते हैं, वी डू हैव 30, 24, 18, 12, एंड वट विल बी द नेक्स्ट नंबर आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग अ 6? इट विल बी अ 6. इसी तरह से नेक्स्ट नंबर विल बी 0, नेक्स्ट विल बी -6, एंड दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हमें क्या समझ आता है? वी कम टू नो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज बेसिकली दैट प्रोग्रेशन, इज बेसिकली दैट सीक्वेंस जिसमें कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमेशा सेम रहता है. अगर हम कोई सीक्वेंस लिखते हैं 3, देन 5, देन 8, तो 3 और 5 के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 2, बट 5 और 8 के बीच का डिफरेंस है 3. यानी कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो वेरी कर रहा है, अलग अलग है. और जब ये डिफरेंस अलग अलग हो जाता है, इन दैट केस द प्रोग्रेशन विल नॉट बी अर्थमेटिक, दैट विल नॉट बी काउंटेड इन एपी सीक्वेंस. ऑल राइट, लेट अस प्रोसीड अहेड. ओके, एपी डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे, वेट अ मिनट, आई एम अनेबल टू, जो स्लाइड है ये फॉरवर्ड नहीं, नेक्स्ट नहीं हो रही. ओके, एपी हमने डिस्कस किया कि ऐसी सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में, आई थिंक आई हैव टू रीजॉइन, देयर इज सम इश्यू. विशेषज्ञ से हम बहुत जल्द जुड़ेंगे, कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है. तब तक मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों ने जितना भी मैम ने समझाया स्लाइड के माध्यम से वो अच्छे से आपको समझ में आया होगा. मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी सवाल पूछना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबर पर जो लगातार स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं. इसके अलावा आप वेबसाइट के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं. इसके साथ ही कुछ बात और आपसे साझा कर लेते हैं. 2023 और 24 की जितनी भी एनसीईआरटी की किताबें हैं वो फिलहाल इस वक्त पूरे जी देश में उपलब्ध यशु जी, हैं. आई और एम हियर, सो वी कैन स्टार्ट तो विद हम इट अपनी ऑल. बात शुरू करेंगे, आपको ये विस्तार से बताऊंगी इसके बारे में जानकारी कार्यक्रम के अंत में. अभी हमारी विशेषज्ञ यानी आपकी शिक्षिका, आपकी ऑनलाइन अध्यापिका आपसे जुड़ गई हैं. जी मैम, एक बार फिर से मैं आपको ओवर करती हूँ, आप प्लीज़ शुरू करें मैम, कंटिन्यू करें. जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम कोई भी सीक्वेंस लिखते हैं जिस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है 2, नेक्स्ट टर्म है 5, नेक्स्ट टर्म है 10, तो 2, 5, 10. अभी 3 टर्म्स को ही डिस्कस करते हैं. इन 3 टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है, 2 और 5, पहली दोनों टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 3, लेकिन 5 और 10, 5 और 10 के बीच का डिफरेंस है 5. तो क्लियरली 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, 2, 5 एंड 10 के बीच का डिफरेंस जो है वो अलग अलग है. पहली दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस 3, नेक्स्ट दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस 5. तो ऐसी सीक्वेंस को हम सीक्वेंस तो बोलेंगे बट दैट इज नॉट एन एपी सीक्वेंस. और एपी सीक्वेंस में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? दैट इज द कॉमन डिफरेंस. सो बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी इज द कॉमन डिफरेंस, राइट? जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज 7, देन 11, देन 15, 19 एंड सो ऑन. तो दिस इज एन एपी, और इस एपी में पहली दोनों टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 4. द डिफरेंस बिटवीन 11 एंड 15 अगेन 4, डिफरेंस बिटवीन 15 एंड 19 इज अगेन 4. तो जब भी डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स सेम होगा दैट विल बी एन एपी. एपी हमारी कभी भी प्रोसीडिंग यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकती है. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ डी कैन बी पॉजिटिव. डी मीन्स कॉमन डिफरेंस को हम डी से शो कर सकते हैं. अगर हमारे पास डी जो है वो 0 है, वो भी पॉसिबिलिटी है. इस सिचुएशन में हम बोलेंगे येस आर एपी इज
कांस्टेंट एपी, और अगर हमारा जो डिफरेंस है दैट इज नेगेटिव, अगर डिफरेंस नेगेटिव ऑर्डर में है तो हमारी एपी जो है वो डिक्रीज हो रही होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगी, इन दैट केस वी विल से दैट द एपी इज डिक्रीजिंग। सो ये हमने डिस्कस किया, कॉमन डिफरेंस को नोटेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डी, और नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट डू वी मीन बाय फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। अगर रियल लाइफ में भी बात करते हैं तो ऐसी कोई भी चीजें जिनको आप काउंट कर सकते हैं दैट विल बी नॉन एज फाइनाइट। हमारी फैमिली मेंबर्स 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, तो फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स आर देयर। बट अगर हम बात करते हैं इनफाइनाइट एपी, कितने आसमान में तारे हैं, तो दैट इज इनफाइनाइट है। ऑलराइट, तो इनफाइनाइट एपी किससे बोलेंगे, अगर हम कोई ऐसी एपी लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपनी नोटबुक्स पर नोट भी कर सकते हैं, इफ वी आर राइटिंग 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन, और एंडलेस ही चलता जा रहा है, आपको लास्ट में कोई भी टर्म नहीं बोली जा रही, सो सच टाइप ऑफ एपी इज नॉन एज इनफाइनाइट एपी। और अगर बात करते हैं फाइनाइट एपी की, सो लेट अस डिस्कस वन एग्जाम्पल फ्रॉम देयर टू। अगर हम बात करते हैं 7, 14, 21, 28, तो हम देख सकते हैं हर बार जो डिफरेंस है वो 7, 7, 7, 7 है, और ऐसी एपी को आप बोलेंगे कि ये एपी अगर हम कहीं ना कहीं जाकर डैश 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 डालने के बाद, मैं एक नंबर लिख रही हूँ 287। सो 287 एक ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, यानी वो इस सीक्वेंस में डेफिनेटली आ रहा है 7, 14, 21, 28 एंड सो ऑन 287। तो ये एपी को हमने 287 पर लॉक कर दिया, यानी हम बोल सकते हैं कि इस एपी में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, दैट मींस दिस इज अ फाइनाइट एपी। तो अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है दैट इज नॉन एज फाइनाइट एपी, इफ देयर आर इनफाइनाइट टर्म्स दैट इज नॉन एज इनफाइनाइट एपी। ऑलराइट, और जब भी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो एग्जामिनर आपसे एक तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, एंड व्हाट दैट क्वेश्चन इज, दैट क्वेश्चन इज बेसिकली कि आप बताइए कि कितनी टर्म्स एपी में हैं। उस एपी में 3 टर्म्स हैं या 4 टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, 7 टर्म्स हैं, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, दिस कैन बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर। ऑल राइट, नाउ द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, जनरल फॉर्म का मतलब हम यहाँ से एक फॉर्मूला सीख रहे हैं, एंड व्हाट दैट फॉर्मूला इज, दैट इज हाउ टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एनी ए। nth टर्म यानी कि जब आपको पता है कि हमारी एपी फाइनाइट एपी है और उस फाइनाइट एपी में आप जानना चाहते हैं कि टोटल टर्म्स हैं कितने, आपको फर्स्ट टर्म पता है, आपको कॉमन डिफरेंस भी पता है और आपको लास्ट टर्म भी पता है, तो इन दैट केस अगर आप जानना चाहते हैं कि टोटल कितनी टर्म्स हैं, दैट इज नॉन एज, हम ऐसा सोच लेते हैं कि किसी भी एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो एन से हम शो कर रहे हैं, एज इट हैज़ बीन मेंशन्ड हियर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी एन। तो देखिए, अगर आपने सबसे फर्स्ट टर्म को ए एज्यूम किया है तो सेकेंड टर्म डेफिनेटली क्या होगी, दैट विल बी ए प्लस डी, थर्ड टर्म विल बी ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म विल बी ए प्लस 2d प्लस डी, यानी एवरी टाइम जो कॉमन डिफरेंस है आप वो ऐड कर रहे हैं, और जैसे ही आप कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं तो फर्स्ट टर्म इज ए, सेकेंड टर्म बिकम्स ए प्लस डी, ए प्लस जितना भी कॉमन डिफरेंस उस एपी का चल रहा है, थर्ड टर्म इज ए प्लस 2d, ए प्लस डी यानी सेकेंड टर्म में फिर से आपने डी ऐड कर दिया, फोर्थ टर्म इज ए प्लस 3d एंड दिस इज गोइंग ऑन। तो nth टर्म क्या होगी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हाट विल बी योर nth टर्म। तो nth टर्म क्या होगी देखते हैं, सेकेंड टर्म में a प्लस 1d आ रहा है, थर्ड टर्म में a प्लस 2d आ रहा है, यानी जिस नंबर की वो टर्म है उससे जस्ट वन नंबर लेस आपका d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, फोर्थ टर्म में a प्लस 3d आ रहा है, तो अनडाउटेडली nth टर्म क्या होगी, दैट विल बी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जैसा कि हमने यहाँ पर मेंशन किया है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दिस विल बी द nth टर्म ऑफ आर एपी। और हम देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन भी है दैट हियर ए इज द वेरी फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन एपी।
यहाँ से हमारे व्यूअर्स एक फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, दैट फॉर्मूला इज फॉर फाइंडिंग द nth टर्म और फॉर ए एन विच इज मेंशन्ड हियर दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी. ऑल राइट, लेट अस प्रोसीड अहेड. किस तरह का क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछा जाएगा? द क्वेश्चन हियर इज चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट. दिस इज अ स्ट्रेट क्वेश्चन. आपको नीचे दी गई सीक्वेंस को देखना है, ऑब्जर्व करना है और बताना है कि ये एक एपी है या नहीं है. सो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि टू और सिक्स, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज फोर. सिक्स एंड टेन, इन दोनों टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज फोर. टेन एंड फोर्टीन, द डिफरेंस इज अगेन फोर. यानी एवरी टाइम अ कॉन्स्टेंट डिफरेंस इज देयर बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, देयरफॉर दिस इज एन एपी. लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड व्हाट दिस क्वेश्चन इज. This is, अब हमें एपी गिवन है. द एपी गिवन इज 3, 8, 13, 18 and so on up to 78. और हमें करना क्या है, हमें इस गिवन एपी में बताना है कि कौन से नंबर पर 78 आएगा. इस एपी का कौन सा टर्म 78 होगा. सो फॉर सॉल्विंग द सेम आपको करना क्या है, आपको ए गिवन है 3, आपको डी गिवन है 5, आपको ए एन भी गिवन है दैट आर एन एफ टर्म इज 78. और हमें जो करना है दैट इज ओनली एंड ओनली कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन. तो जैसा कि अभी हमने सीखा था कि ए एन जो है दैट इज इक्वल्स टू 78. ए एन निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला है दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी विच इज इन दिस क्वेश्चन 3 प्लस एन माइनस वन. क्योंकि एन आपको नहीं पता, आपको पूछा गया है विच टर्म इज 78. आपने एज्यूम किया है एन एफ टर्म इज 78, सो इट विल बी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 78. 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट टू और एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स विच इज 5 इन दिस पर्टिकुलर केस. सो इट विल बी 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 5 is equal to 78. This is the linear equation with us. 3 plus 5n minus 5 is equal to 78. And on solving the same linear equation, we will be able to find the value of n. So, अभी हमने दो टाइपोलॉजी से क्वेश्चंस डिस्कस किए. पहला हमने टाइप डिस्कस किया कि किस तरह से आपके पास पता लगाया जा सकता है कि गिवन सीक्वेंस एपी है या नहीं है. और दूसरा हमने डिस्कस किया कि किसी भी एपी में कितनी टर्म्स हैं, अगर वो एक फाइनाइट एपी है तो हम कैसे बता पाएंगे. नाउ लेट अस डिस्कस वन मोर क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन हियर इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के. अगेन अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. आपको एक सीक्वेंस गिवन है, इट इज 4 k-1 12. इसकी बिगिनिंग की 3 टर्म्स हमारे पास हैं. देन फर्दर इट इज डैश डैश डैश. हम नेक्स्ट के टर्म्स भी नहीं बता पाएंगे क्योंकि मिडल टर्म इज अननोन टू अस. मिडल टर्म में एक अननोन कॉन्स्टेंट के लिखा गया है. सो फर्स्ट टर्म इज 4, सेकेंड टर्म इज के माइनस 1, थर्ड टर्म इज 12. 3 टर्म्स हमारे पास हैं. हमें गिवन है, मैंशनड है दैट दिस इज एन ए पी. तो अगर ये एक ऑलरेडी ए पी है तो ए पी का मतलब क्या हुआ कि 4 और k माइनस 1, 4 एंड k माइनस 1 में जितना डिफरेंस है ठीक उतना ही डिफरेंस k माइनस 1 एंड 12 में भी है. सो सिंपली हमें क्या करना है, वी विल जस्ट एंड ओनली राइट दैट a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2. सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करने पर जो आता है बिल्कुल सेम वैल्यू आपके पास आ जाएगी थर्ड और सेकेंड टर्म को माइनस करने पर. So you will write an equation and what that equation is, that is k minus 1 minus 4 second term minus first term equals 12 minus k plus 1, that means 13 minus k. So again a linear equation is this there with us. It is k minus 5 is equal to 13 minus k. Aur same ko solve karke aap dekh sakte hain ki hamare paas jo value aa rahi hai that is k is equal to 9. तो आपके पास इस पर्टिकुलर एपी में फर्स्ट टर्म जो है दैट इज इक्वल्स टू 4, सेकेंड टर्म जो है दैट इज के माइनस 1, के की वैल्यू अभी हमने बोला कि 9 आ रही है, तो वैल्यू ऑफ के माइनस 1 विल बी 8, एंड द थर्ड टर्म इज
12. So in this AP, the first term is 4, second term is 8, third term is 12. Therefore, हम देख सकते हैं कि common difference is 4 here. हमसे पूछा अभी सिर्फ k की वैल्यू गई है तो आप k की वैल्यू निकाल देंगे विच इज 9. बट अगर एग्जामिनर हमसे ये भी पूछता है कि आप इसी एपी में d यानी कॉमन डिफरेंस बताइए तो हम इजीली कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं. एग्जामिनर कैन आल्सो आस्क अस फाइंड द 30th टर्म ऑफ गिवन एपी और फाइंड द 50th टर्म ऑफ गिवन एपी और फाइंड द 57th टर्म ऑफ गिवन एपी. तो जो भी टर्म वो पूछता है देर इज नो इशू. आपको अभी बताया है कि ए 3 इज इक्वल टू होता है ए प्लस 2d. तो अगर ए 30 एग्जामिनर पूछता है दैट विल बी ए प्लस 29d. सो फाइनली इट इज ए प्लस 29d. ए के प्लेस पर आप 4 यानी कि फर्स्ट टर्म पुट करेंगे. इस क्वेश्चन में डी की वैल्यू भी 4 आ रही है. सो इन प्लेस ऑफ डी ऑल्सो वी विल पुट 4 एंड फाइनली वी विल बी देयर विद आर आंसर विच इज 4 प्लस 29 इंटू 4. सो इस तरह से आप कोई भी टर्म जो पूछी जाए वो निकाल सकते हैं. और एपी से रिलेटेड बहुत से एग्जांपल्स हमारी डेली लाइफ में भी हैं, एग्जिस्ट करते हैं. इन आर नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अ फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम आर डेली लाइफ के किस तरह से कहीं भी कोई स्टेयर्स बनी हुई हैं और हम उन स्टेयर्स को देख कर वहाँ एक एपी ढूंढ सकते हैं कि यस ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज यहाँ पर दिखाई दे रही है. आप एक बार कोशिश करना स्टेडियम में जो बैठने के लिए प्लेस बना हुआ है क्या वो ईपी को फॉलो कर रहा है या नहीं. वी विल डिस्कस द सेम टॉपिक इन आवर नेक्स्ट सेशन. थैंक यू. बिल्कुल ठीक कहा आपने मैम कि इस टॉपिक को इस विषय को हम अपने नेक्स्ट सेशन में भी डिस्कस कर सकते हैं. कोई भी समस्या है अगर आपको यानी हमारे छात्रों को तो आप संपर्क कर सकते हैं. हमारा लगातार कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे दिया जा रहा है, वेबसाइट का पता भी दिया जा रहा है. और मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सरल और सहज तरीके से इस प्रोग्रेशन को हमारे बच्चों को हमारे विद्यार्थियों को समझाया और बहुत अच्छे से उदाहरण देके. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई सवाल समझ में आता है लेकिन ये नहीं समझ में आता कि उसका पैटर्न क्या होगा, किस ढंग से पूछा जा सकता है. तो ये आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को विद्यार्थियों को समझाया. बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने समय निकाला और हमारे विद्यार्थियों को समझाया. जी यशोरी धन्यवाद. और इसी के साथ एक और जानकारी आपसे साझा कर लूं और वो ये कि 2023 और 24 की जितनी भी एनसीईआरटी की किताबें हैं वो फिलहाल इस वक्त पूरे देश में उपलब्ध हैं. और आप ये जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो एनसीईआरटी के बिक्री काउंटर से खरीद सकते हैं. साथ ही आपको बता दें कि आप नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और गुवाहाटी में ये हमारे जो केंद्र हैं वो स्थित हैं. और ये जो बिक्री काउंटर है वो सप्ताह के हर दिन आपके लिए ये किताबें उपलब्ध कराते हैं, यानी शनिवार, रविवार और जितनी भी सरकारी छुट्टियां हैं उसमें भी ये कार्यरत रहते हैं, समय सुबह 9:30 से 6 बजे तक. आप चाहें तो इन पुस्तकों को हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं बिल्कुल निशुल्क. लेकिन इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा ncrtbook.ncrt.gov.in पर. साथ ही अगर आप चाहें तो इन पुस्तकों का PDF संस्करण निःशुल्क, इसकी यानी जो सॉफ्ट कॉपी है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. हाँ, इसके लिए आपको वेबसाइट की मदद लेनी होगी, मोबाइल ऐप की मदद लेनी होगी. एनसीईआरटी दीक्षा ई पाठशाला, आप इसके माध्यम से भी इसकी सॉफ्ट कॉपी को अपने प्रयोग में ला सकते हैं. इसके अतिरिक्त हमारे कार्यक्रमों से जुड़ी हुई, किताबों से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर ncrt.nic.in पर आप विजिट कर सकते हैं. तो मुझे तो दीजिए अनुमति अपने इस कार्यक्रम इस सेशन से, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि हमारा जो अगला सेक्शन है यानी कि 2:30 से 3 बजे तक का जो सेशन है वो भी क्लास 10th का यानी आप ही के लिए है. और वो विषय है सोशल साइंस चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. तो आप अगले क्लास की अगले सेशन की कीजिए तैयारी और याशु को दीजिए अनुमति. नमस्कार.